Anam and welcome to another episode of Tryball, एक ऐसा show जहां आपको मिलती है weekly dose of social hits and misses from the world of cricket. इस हफ्ते की बड़ी खबर, which is similar to last week, और उसको शुरू करने से पहले थोड़े drum rolls हो जाएं, please. पाकिस्तान ने जीती 11th consecutive T20 सीरीज न्यूजीलैंड को 3-0 से वाइट वॉश करके. जितनी तेजी से पाकिस्तान T20 जीत रहा है, पाकिस्तानी फैन का सिर्फ एक ही गम है कि काश वर्ल्ड T20 भी इसी साल हो जाता. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द हाइलाइट्स फ्रॉम दिस सीरीज. मोहम्मद हफीज का पाकिस्तान टीम में कमबैक वाज अ सुपर हिट. That's gone up in the air and it's a six and he does it with some style. He top scored with 132 runs, won player of the series and a motorbike. अच्छा ये मोटरसाइकिल का क्या होगा? मोटरसाइकिल बेचेंगे यहाँ पे या लेके जाएंगे? लाहौर में मिलेगा. उन्होंने मुझे बोला है कि जी यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे इनकी मुझे ये डिलीवर कर. बाबर आजम ने तोड़ा किंग कोहली का रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स. सेकंड T20 में शाहीन का 3 for 20 का स्पेल भी एक रिकॉर्ड था. और फिर आफरीदी की तारीफ करते हुए नजर आए. अपना नाम है शाहीन आफरीदी, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा. न्यूजीलैंड की नेक्स्ट लेवल फील्डिंग से तो हम सब वाकिफ हैं ही. पाकिस्तान ने भी इस सीरीज में काफी कमाल रन आउट और कैचेस किए. डायरेक्ट हिट एंड गॉन. 30-20 में हुआ कीवीज का एक शॉकिंग कलैप्स. दे लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर जस्ट 23 रन्स. फॉर वंस पाकिस्तानी फैंस एंजॉयड बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ अ कलैप्स. Shadab Khan became the joint highest wicket taker in a calendar year in T20s by taking 28 wickets. Neil has done and that jumped all over it. Ah! Oh, that's caught the eye. That's a very good catch. It was a quicker ball from Shadab. He's picked another. And so becomes the highest wicket taker in the calendar year. The other bowler being Jasprit Bumrah. जहाँ न्यूजीलैंड ने चेज करते हुए आखिरी 8 में से 7 मैचेस हारे, वहीं पाकिस्तान ने वाइल्ड चेजिंग 11 कंसेक्यूटिव T20s जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. दिस सीरीज हैज प्रूव्ड टू बी अ रिकॉर्ड गिलोअर फॉर द होम साइड. पाकिस्तान इज द नंबर 1 T20 टीम इन द वर्ल्ड फॉर ऑल द राइट रीजन. अब देखना होगा ODI सीरीज में क्या न्यूजीलैंड बेहतर टीम साबित होगी या क्या पाकिस्तान अपने एशिया कप डिबैकल से रिकवर कर पाएगा. Windies ka tough time in India continues as they lost the first T20 at Eden Gardens by 5 wickets. Is match mein 5 debutants the, jinmein se 4 dominated with the ball. Khalil Ahmed ka 1 for 16 ka spell, Krunal Pandya ka 1 for 15 and his quick fire 21 helped India cross the finish line. Pair ne bhi ek wicket li, Ushain Thomas ne ki tabakun fast bowling, Rohit Sharma aur Dhawan ko out kiya and bowled just one delivery under 140 km per hour. I'm sure Shoaib Akhtar and Brett Lee would be super proud. I know by the time you watch this episode, agla T20 bhi mug gaya hoga. Jitni tezi se matches chal rahe hain, it is a little difficult to keep up. Australia started off their ODI campaign against South Africa on a losing note. Batting first, Australia were bundled out for 152. Things could have been worse as they were 66 for 6 at one point. South African pacers made full use of the fast and furious Perth pitch. आखिर ये कौन सी ऑस्ट्रेलियन साइड है? दिस वॉज दिस 7th कंसेक्यूटिव ODI लॉस. बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती. ऑजीज गॉट ट्रोल्ड फॉर देयर एलीट ऑनेस्टी कैंपेन जो ड्रेसिंग रूम ब्रांडिंग से शुरू हुई. आखिर ये एलीट ऑनेस्टी है क्या? सैंड पेपर गेट स्कैंडल ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ है. एलीट लॉसेज, एलीट रेजिग्नेशंस, एलीट बैटिंग स्टांस और नॉट टू फॉरगेट शेन वॉन का एलीट ऑनेस्टी पर ये एलीट जवाब. In case you've missed this, last week hui PSL mein blockbuster trade. Lahore ki aan, baan aur shaan Umar Akmal ab khelenge Quetta Gladiators ki taraf se along with Sunil Narayan. Quetta ki taraf se fast bowler Rahat Ali aur all-rounder Hassan Khan ab Qalandars ko represent karenge. Aur Brandon McCullum ne bhi Qalandars ko Tata bye-bye keh diya. उमर अकमल की इस ट्रेड से लाहौर के फैंस रिएक्टेड कुछ इस तरह से. वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि उनकी टीम अब कुछ ज्यादा ही हैपनिंग ना बन जाए. इस हफ्ते की सोशल बाजियां,
Andre Russell has been ruled out from the ongoing T20 series between India and Windies, but he's surely not missing out on a fresh cut, that too with a view. Fully at work. Up top. अगर लगन सच्ची हो तो हॉलीडेज पर काम किया जा सकता है जस्ट लाइक डेविड वीसा हु वर्क्ड ऑन हिज पावर हिटिंग इन वेगस। युवराज सिंह आशीष नेहरा एंड हिज सन अरूष ट्राइड देयर हैंड्स आर्म्स एंड लेग्स एट द बैकपैक किट डांस। Check out Ben Duckett's perfect golf swing pose. England women's team ki ek player was caught in camera applying nail polish while being on a moving bus. Talk about skill. What is going on? We're on a bus. इस हफ्ते फैशन के बेड़ा गर्क में वी हैव अहमद शहजाद जो कि कुछ टाइम से क्रिकेट से दूर हैं ड्यू टू हिज बैन व्हिच रिसेंटली गॉट एक्सटेंडेड। अगर आप में से कोई अहमद को मिस कर रहा है तो फियर नॉट, वी विल टेक यू ऑन अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। हेलो एवरीबॉडी। शहजाद की ईद वाली टाइट्स, हिज इंटेंस पोस्ट जिम लुक, हिज बीबीसी हेयर स्टाइल्स एंड हिज सेल्फ पैम्परिंग। लेट अस नो इफ यू मिस शहजाद एंड ऑल्सो रेट हिज स्टाइल आउट ऑफ 10। इस हफ्ते की फनकारियां या फिर फनकार रियल डोज। फर्स्ट अप वी हैव डीजे ब्रावो। ब्रावो माइट हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बट ही एंट रिटायरिंग फ्रॉम सिंगिंग एनी टाइम सून। ड्यूरिंग इंडियाज ओडीआई सीरीज विन सेलिब्रेशन Look how happy MSD looks after a few balloons were popped. Roti Gang aka Shadab, Hassan aur Fahim ka ek shopping trip jab Shady Boy ne 16-17 glasses khareed li aur sabko kangla kar diya. Ye kuch 16 glasses aur bhi li hain aur pata nahi ki ye isne apni family ke liye liye ya pata nahi kiske liye, lekin aaj mere bhai ke paas jitne bhi paise the sabke paas jitne the, iske akele ke paas iske paas jitne the wo isne khatam kar diye, uske baad mujhse bhi le liye hain, Fahim se bhi le liye hain, te hun ki dassiye naaz ne roti saab jode ne na And it's a wrap on this week's episode of Tri-Ball. अगर आपको एपिसोड पसंद आई और अगर नहीं भी आई तो डू लेट अस नो, कमेंट बिलो, गिव अस योर फीडबैक एंड एज द फेमस सेइंग गोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओ हाँ, वो बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है।